हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो फिलहाल भाई, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने मतलब गॉडफादर का गेटअप पहन करके एक बर्ड को लेकर के आए थे मिलिट्री कहने पर अपने इस ऑपरेशन गॉडफादर में। तो फिलहाल चलिए भाई, जल्दी शुरू करते हैं। अब की बार देखते हैं कि मिलिट्री वाले बंदे मुझे क्या काम देने वाले हैं। उसमें कुछ और भी काम करवाएंगे, फिर बर्ड के साथ ही कुछ करवाना है भाई, क्योंकि एक्ट बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी लंबा मिशन है। छोटा मिशन बंदों ने मेरे को नहीं दिया, मैं फिर से गॉडफादर बन चुका हूँ। बंदों कहने पर मैं भी ह्यूमन लैब में आया था कुछ काम करने के लिए। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस बात बंदों से आकर के बातें करनी थी, मैंने कर ली, बात खत्म। अब मेरे को बंदे फिर से बुला रहे हैं मिलिट्री बेस पर ही और बोल रहे हैं कि ट्रेयर फटाफट से आओ और तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें अब क्या करना है। तो चलिए भाई, फटाफट से निकलते हैं। पता नहीं आखिर गॉडफादर का क्या इतना यूज़ ले रहे हैं। गॉडफादर बड़ा काम आ रहा है इनको। एक टाइम मिलिट्री वाले बंदे गॉडफादर को मारना चाह रहे थे, सोच रहे थे इसको देखते ही खत्म कर दे, और आज बंदे ने मतलब मेरा ही काम लेना चाहा। हमारा प्यारा गॉडफादर ब्रो भाई पहुंच गया जगह पर। तो चलिए भाई, जल्दी से चल के बातें कर लेता हूँ। वाह भाई, हमारे प्यारे जनरल ही आगे की तरफ खड़े हुए, जाकर के उससे बातें करता हूँ। हेलो जनरल ब्रो, गॉडफादर आ चुका है, जल्दी से आइए, जल्दी से बातें करेंगे। जनरल से बातें हो चुकी। जनरल ने भाई बाकी बंदों को भगा दिया, अकेले उससे बात करी और बोल रहा है ड्राइवर दूसरा काम थोड़ा अजीब है, संभाल करके करना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिलहाल बड़ा अजीब काम है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है गॉडफादर से ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं। पहले एक्ट में मतलब पहले वाले पार्ट में हम बॉम्ब लेकर के मतलब वो बर्ड लेकर के आए थे, इनको दे दी, ये नहीं बताया उसको करना क्या वाले हैं। बोल रहे कि बाद में बताऊंगा, उसका काम अभी नहीं है, बाद में है। दूसरा काम बोला कि प्रेजिडेंट थॉमस ना एयरपोर्ट पर है, कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पर जा। गॉडफादर तो बना हुआ है ड्राइवर, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर जा करके उसके पैर में सिर्फ गोली मारनी है, सब कुछ प्लान के हिसाब से ये थॉमस को पता है गोली लगने वाली है, वहाँ पे जोर गोली मार। यार ये तो कोई बात नहीं होती, गॉडफादर से गोली लगवा रहे प्रेसिडेंट ऑफ लॉस सैंटोस को, क्यों भाई, कुछ वजह है क्या? ऐसे हो सकता है भाई? चलिए देखो, बंदों ने बोला तो कर देते हैं, मुझे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बट यार पंगा ना हो जाए कुछ आगे जाकर भी फंसा दे। वैसे भाई क्यों अगर गॉडफादर तो फंसेगा, मैं थोड़ी फंसूंगा, क्योंकि आपको बताइए मैंने तो गेटअप पहन के रखा है गॉडफादर का, ड्राइवर नहीं फंसने वाला, फंसेगा तो गॉडफादर ही, बट प्रेजेंट थॉमस को गोली लगवाने का क्या पंगा है? अपना प्यारा प्यारा गॉडफादर पहुंच गया है। मेरे प्यारे गॉडफादर ब्रो उतरो। तो फिलहाल भाई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, अपना प्यारा थॉमस सामने इधर भी खड़ा हुआ है, शायद से किसी का वेट कर रहा है मीटिंग के लिए, मैंने दूर से देख लिया उसको। ऊपर की तरफ निकलता हूं भाई, जहां से मतलब अच्छा सा मैं एम ले सकूं, पैर में गोली मारनी और यहां से निकल लेना इससे पहले पुलिस वाले मेरे को यहां से देख ले। मेरे को चुपचाप निकलना है, ऐसा बोला गया था, कोई मेरे को देख ना पाए। वैसे सामने वाली बिल्डिंग से काफ़ी अच्छा व्यू आएगा भाई गोली चलाने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर मैं यहाँ से एम लेके उसको मार सकता हूँ। अरे यार भाई निकलर नहीं ऑन करनी मेरे प्यारे गॉडफादर, यहाँ पे स्नाइपर निकालो। तो चलिए भाई, स्नाइपर की रेंज चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार पैर तो दिखी नहीं रहे इस बंदे के, हाथ पे गोली मार दूँ? बंदे ने बोला पैर पे गोली मारनी है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम कर दो, पैर थोड़ा नीचे तक दिख रहा है, यहाँ पे गोली चला देता हूँ। मेरे प्यारे गॉडफादर गोली चला दे, ये ले बैठे। ओके भाई, पैर पे गोली मार दी है, बंदा गिर भी गया। इससे पहले सिक्योरिटी को पता चले गोली किस तरह से चलिए कहाँ से चलिए। गॉडफादर ब्रो निकल 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 जल्दी से निकल। तो मैंने मिलिट्री कहने पर भाई प्रेजेंट थॉमस को गोली मारी, दूसरा काम मैंने पूरा कर दिया। अब फोन करता हूँ जल्दी से उनको, पूछता हूँ कि भाई अब कुछ करना है, सिर्फ चुपचाप छुप करके रहना थोड़ी देर के लिए, जैसे भी होगा वो अभी फोन करके पता कर लेता हूँ मैं। ड्राइवर भाई फटाफट से फोन निकाल, जनरल को फोन लगा और देखते कि जनरल अब क्या बोलने वाला है। जनरल से बात हो चुकी है, जनरल मेरे को बोल रहा है ड्राइवर अब एक बहुत अच्छा काम करना है, बिल्कुल खास काम। एक होटल पे, जो कि भाई मेरे घर के सामने एक होटल है ना, उसी होटल पे एक VIP कार खड़ी हुई है, उस VIP कार में पेट्रोल से मुझे आग लगानी है जा करके। ये दूसरा काम मेरे को करना है, मतलब तीसरा काम आप इसको बोल सकते हो। तो ये तीसरा काम बोला इसने, गाड़ी में आग लगाना और वहाँ से चुपचाप पतली गली से निकल जाना है, बाकी काम बाद में बताएंगे लोग मुझे। ठीक है भाई चलिए निकलता हूँ भाई, पहले बर्ड चुनवाना, प्रेजेंट गोली लगवाना, ऊपर से फिर भाई ये अलग सा काम करवाना। बड़े अजीब अजीब काम करवा रहे हैं मिलिट्री वाले बंदे, सच्ची में भाई अजीब ही काम चल रहे हैं। तो देखते भाई आखिर कौन सी VIP कार खड़ी है पार्किंग में जिसमें आग लगवाना चाहते हैं पेट्रोल से। पेट्रोल कैन मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं आग लगा सकता हूँ। पहुँच ट्रेवर भाई जल्दी से निकल। पहुँच गया भाई मैं होटल पर, जो कि ट्रेवर घर के सामने इधर भी पड़ता है, अपना पीछे तरफ घर है, ये बहुत बड़े वाला होटल जो है। चलिए गॉडफादर ब्रो फटाफट से निकलिए यहाँ से, तो जंप भी नहीं लगा पाऊंगा मैं, मुझे गाड़ी अंदर ही लेकर के जानी चाहिए थी। नहीं भाई लग गई जंप, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई सामने तरफ गाड़ी खड़ी है, वाह भाई मेरे को फ्रंट पर मिल गई येलो कलर की जो कार है, इसी के बारे में मेरे को बोला गया है। पेट्रोल कैन निकालता हूँ, बंदे देखो यहाँ पे देख ही रहे होंगे, देख रहे तो गॉडफादर ही तो बदनाम होगा और क्या दिक्कत होने वाली है। तो चलिए जल्दी से पेट्रोल निकाल ड्राइवर, मैंने पेट्रोल भाई निकाल लिया है। चल भाई ड्राइवर खत्म कर दे इस गाड़ी को, हमारी प्यारी गाड़ी बचनी नहीं चाहिए क्योंकि गोल आ गया है, जल्द खत्म कर इसको, इस गाड़ी से प्रेजेंट को गोली लगवाने से और पता नहीं भाई बर्ड से क्या लेना देना। ये मिशन कोई ज्यादा सीक्रेट है, मिलिट्री वाले इतने चालाक बन रहे हैं, मतलब भाई मुझे बता नहीं रहे बिल्कुल भी, आप देख रहे हो ऐसे चालाकी कर रहे हैं जैसे मतलब बिल्कुल छुपा के रखे मेरे से सारी की सारी बातें। तो मैंने काफी हद तक भाई एक ही जगह पेट्रोल डाल दिया है,
अभी देखना ये है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा आग फैलने वाली है। चलो भाई ड्राइवर थोड़ा पीछे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल मेरी भाई पूरा के पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका है लगभग देखा जाए तो। वैसे इतनी दूर से काफी आराम से आग लग सकती है, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई फिलहाल पिस्टल निकालते और काम करना शुरू करते हैं। प्यारी प्यारी गाड़ी चलो फट जाओ। ओके भाई आग लगनी शुरू हो गई है, फैल जा फैल जा फैल जा, गाड़ी तक पहुंच जाओ और फटाफट से गाड़ी को अपने साथ लेकर खत्म कर दे। तो चलो भाई, अरे मतलब आग पूरी पहुंच गई है और भाई लोग गाड़ी तक आग पहुंच गई है और बहुत ज्यादा आग फैल गई है। गाड़ी का तो नेता बनने वाला है एक ही सेकंड में, मतलब सेकंड में तो नहीं मिनट में तो बन ही जाएगा। फट जा जल्दी से या फिर मेरे को मैनुअली आरपीजी मारना पड़ेगा। ओके भाई फाइनली पेट्रोल लगाया और गाड़ी दी एंड। मोहल्ले के बंदे डर के भाग गए, अबे नमूना क्यों डर रहे हो। तो चलिए भाई फाइनली मेरा ये काम पूरा हो चुका है। तो आज हम लोगों ने दो काम करे गॉडफादर ऑपरेशन में। इन दोनों काम मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आए दोनों क्यों मुझसे गवर्नमेंट वाले बंदों ने करवाए। बहुत ही अजीब, मतलब कुछ सेंस ही नहीं बैठ रहा इन काम का। कोई बड़ा मिशन है भाई जिसकी शुरुआत बंदों ने करवा दी है, अब देखना ये है कि इसका एंड कहां पर होगा। बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो से इतनी आलू। तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं करा कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।